हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं सियासत का सफरनामा। दिवाली के धमाके के लिए लोगों को साल भर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन राजनीति ऐसा मैदान है जहां आपको धमाके ही धमाके सुनाई देंगे। चुनावों के ऐलान से लेकर अगले चुनावों के आने तक हर समय नए नए धमाके आपके कानों में गूंजते रहेंगे। कभी सरकार आपके कानों में आवाज पहुंचाती रहेगी तो कभी विपक्ष सरकार के काम को लेकर धमाके करता रहेगा। अब आने वाले 5 सालों तक सियासत की दिवाली खूब देखने को मिलेगी, क्योंकि यह गठबंधन की सरकार है। सीएम मनोहर लाल के शपथ के साथ ही बीजेपी का हरियाणा में दूसरा कार्यकाल औपचारिक तरीके से शुरू हो गया है। सीएम और डिप्टी सीएम तो मिल गए, मगर कैबिनेट को अभी भी अपने सिपहसालारों की तलाश है। सियासत में जनादेश मिल जाए तो लगता है कि चलो सब कुछ ठीक है, मगर बहुमत ना मिले तो फिर किसी का सहारा लेना पड़ता है। सहारा मिल जाए फिर लगता है कि चलो अब सब ठीक है, लेकिन सियासत ऐसी जगह है जहां उसके बाद भी कई सारी चीजों पर ध्यान देना होता है। अब अगर आपको कोई समर्थन दे रहा है तो फिर आपकी सियासी नैतिकता बनती है कि आप उसे कुछ उपहार दें जिससे आपकी दोस्ती लंबे अरसे तक चलती रहे। बीजेपी जेजेपी की दोस्ती को रफ्तार देने में अब एक ही अड़ंगा रह गया है कि कैबिनेट में जगह दी जाए तो कौन सी दी जाए। हरियाणा के मंत्रिमंडल में 13 का आंकड़ा काफी पेच रहा है। यहां सीएम के साथ 13 मंत्री ही मंत्रालय की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने लोगों के साथ साथ जेजेपी और निर्दलियों का भी ख्याल रखना होगा। डिप्टी सीएम के पद के साथ साथ बीजेपी जेजेपी को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद देना चाहती है, मगर जेजेपी 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी को निर्दलीय विधायकों का भी ख्याल रखना है जिनके भरोसे पर सरकार टिकी हुई है, मगर बीजेपी 3 नेताओं को जरूर खुश करेगी क्योंकि इन 3 नेताओं ने उसकी साख बचाई है। इसमें अम्बाला कैंट के विधायक अनिल विज, जगाधरी से विधायक कंवरपाल गुर्जर, पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा और अहिरवाल इलाके की नागल चौधरी सीट से विधायक बने डॉक्टर अभय सिंह यादव शामिल हैं। बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर ध्यान देना है तो वो है जाट वोट बैंक। जेजेपी के साथ बीजेपी का जाना जाट वोट बैंक की तरफ बढ़ाया गया है, एक अहम कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि इस बार किसी ने पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो जाट वोट बैंक ही है। जेजेपी को साथ लेकर बीजेपी से साधने की पूरी कोशिश करेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि जेजेपी उन नेताओं को कैबिनेट में शामिल कराने पर आमदा है जिन्होंने बीजेपी के कैबिनेट मंत्री और बड़े जाट नेताओं को हराया है, जिसमें नारनौद से चुनाव जीते राजकुमार गौतम और टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली का नाम आगे चल रहा है। जाट वोट बैंक के साथ साथ गैर जाट नेताओं को भी खुश करने की फजीहत बीजेपी के सामने खड़ी है, इसलिए निर्दलियों की किस्मत खुलने की भी संभावना है। भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ, पंचकुला के ज्ञानचंद गुप्ता, गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला और पलवल के विधायक दीपक मंगला का भी नंबर आ सकता है। परंपरागत वोट बैंक को देखते हुए वैश्य नेताओं को भी मौका दिया जा सकता है, जिसमें बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा का मंत्री बनना भी तय समझा जा रहा है। गठबंधन की सरकार का मूल मंत्र यही है कि उन्हें हर नेता और पार्टी को खुश करके रखना होता है, और अभी तो 5 साल का समय लगभग शुरू ही हुआ है। ऐसे में पार्टी के लिए गठबंधन भंवर पार करने वाला साबित होता है या फिर भंवर में डूबने वाला साबित होता है। वैसे अगर गठबंधन की नाव में सबको खुश रखेंगे तो सब कुछ ठीक है, वरना नाव उसी तरफ पलटेगी जिस तरफ वो ज्यादा झुकने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।